हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंप्लेट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर नंबर टेंथ मार्को पोलो ए चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन मार्कोपोलो वॉज एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड एडवेंचरर सैकेंड मार्कोपोलो वॉज फ्रॉम ही वॉज फ्रॉम वेनिस सो करेक्ट ऑप्शन इज ए वेनिस कुबलाई खान वॉज द एम्पायर ऑफ कहाँ का एम्पायर थव चाइना का सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए चाइना

वाई डिन मार्कोपोलो विजिट अदर कंट्रीज मार्कोपोलो विजिटेड अदर कंट्रीज बिकॉज ही वॉन्टेड टू फाइंड और ही वॉन्टेड टू नो अबाउट दैट कंट्री इट्स पीपल इट्स कल्चर एंड फूड वो क्यों हमेशा हर कंट्री को विजिट करता था क्योंकि उसे क्या उसे क्या पसंद था और उसे क्या जानना था उसे जानना था कि वो कंट्री कैसी है वहां के लोग कैसे हैं, वहां का कल्चर कैसा है और वहाँ की फूड हैबिट्स कैसी हैं देन क्वेश्चन नंबर थ्री was Marco Polo impressed बाय किन्से किन्से क्या है कैपिटल ऑफ चाइना और Marco Polo उसे देखकर क्या हो गया था Impressed हो गए थे वो क्यों हो गए थे Let's see. Marco Polo was impressed बाय किन्से बिकॉज इट अ लार्ज सिटी कैसे थी बहुत बड़ी सिटी थी बट वेल ऑर्गेनाइज फिर भी वेल well ऑर्गेनाइज थी एंड क्लीन रोड आर वाइड रोड कैसे थे अच्छे लंबे चौड़े एंड एवरीथिंग वॉज न्यू एंड इंटरेस्टिंग इसलिए क्या हुआ था मार्को पोलो वॉज इम्प्रेस बाय दैट सिटी देन क्वेश्चन नंबर फोर वाई वॉज पोलो पुट इन द प्रिट Marco Polo was put in a prison because Venice fought a war with the city of Genoa. हम लोगों ने देखा था वेनिस की वेनिस का किसके साथ युद्ध हुआ था जिनोवा के साथ and he was captured by Genoese and they put him in prison. हम लोगों ने देखा था कि मार्को पोलो को किसने कैप्चर किया था जिनोइ पीपल्स ने और फिर फिर उन्होंने क्या किया फिर उनको मार्को पोलो को उन्होंने जेल में डाल दिया Then, question number five. Whom did Marco Polo marry? Marco Polo married with Donata Badoer. Then last question: Why do you think the travels of Marco Polo was translated into many languages? आंसर इज द स्टोरीज ऑफ मार्कोपोलो जर्नीज रोड इन द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ये जो बुक है द ट्रेवल्स ऑफ मार्कोपोलो इसमें किसकी कहानियाँ छपी हुई हैं मार्कोपोलो के जर्नीज़ की एंड इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर बुक और ये जो बुक है वो बहुत फेमस हुआ था बहुत पॉपुलर हुआ था दैट्स वाई इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू मेरी लैंग्वेजेज सो दैट इंटरेस्टेड पीपल कोड रीड वो बहुत फेमस बुक था और बहुत से लोग उससे इंस्पायर्ड होते थे इसलिए वो बुक अलग अलग लैंग्वेज में इसमें क्या किया गया पब्लिश किया गया ट्रांसलेट किया गया ताकि हर कोई उसे पढ़ सके